आता अरविंद बोलणार आहेत. माय विजन माय वर्क असा विषय मला त्यांच्यासाठी योग्य वाटला. मी आत्ताच सर्वांचे आभार मानते आणि जेवल्याशिवाय कोणी जाऊ नये अशी विनंती करते. आजी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है. आप लोग यहाँ पर आए ये मेरे लिए एक बेहद शुभ दिन है. मैंने बिरला जी के साथ में 10 बरस काम करा है और मालूम नहीं वो ज़्यादा लाभान्वित हुई हैं कि मैं ज़्यादा लाभान्वित हुआ उनसे. जैसे मैंने कहा कि हम लोग का छोटा सा एक विज्ञान का केंद्र है एंड शी वॉज दी मॉरल कॉम्पस. हम लोग हाथ से काम करते हैं पर हर 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 केंद्र की एक नैतिकता होती है जो उसको बाल केंद्रित बनाती है, बच्चों को वेलकमिंग बनाती है. और मेरे ख्याल से विदला का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हम आज कर रहे हैं. और कई बार लोग को दुख होता है कि आपका साथी जिसने आपके साथ 10 बरस काम करा हो कहीं और जा रहा हो, पर जब से मुझे एक वर्ष से मालूम है कि वो वहाँ जाएंगी. और मैंने कहा ये शायद बाल भवन जो हमारा बच्चों का केंद्र है, उधर विज्ञान केंद्र है, उससे कहीं बड़ी संस्था है. और विदला की मार्फत हजारों लाखों बच्चे इससे लाभान्वित हो पाएंगे. तो मैं बहुत खुश था पहले दिन से जब मैंने सुना एक साल पहले कि विदला यहाँ पर आएंगी. और यहाँ पर बहुत प्रबुद्ध लोग हैं. इट्स अ वेरी ऑगस्ट गैदरिंग जिन लोगों ने शिक्षा पे बहुत काम करा है. यहाँ पे बहुत से लोग हैं. नीलाम्बरी जी हैं, वर्षा ताई हैं, शोभा हैं, हेमा ताई हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी अनूठी किताबें शिक्षा के ऊपर मराठी के अंदर आ पाई. मैं आपको बस चंद कहानियाँ सुनाऊंगा. यहाँ पर मैं कुछ बहुत बोझिल नहीं होगा कि अच्छे स्कूल की क्या कल्पना है हमारी. और जो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल देखा अपने जीवन के अंदर, जिसकी खुशबू आज भी मेरी रूह के साथ में चिपकी हुई है, वो आज से करीब 25 साल पहले था. ये था, इसका नाम है, ये बिल्कुल ऋषि वैली स्कूल के बिल्कुल पास है. स्कूल का नाम था नीलबाग. और जिसको एक अंग्रेज जिनका नाम था डेविड हॉस्प्रो, द्वितीय यहाँ महायुद्ध में ही वॉज अ एयरफोर्स पायलट. और एक बार वो पूर्वी बंगाल, ईस्ट जो अभी बांग्लादेश है, उसके ऊपर हवाई जहाज उड़ा रहे थे, मिलिट्री का हवाई जहाज जिसके अंदर बम रखे हुए थे. और जब उन्होंने नीचे झांक करके देखा तो नदी, पोखर, छोटे छोटे से गांव, तो उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि मैं ये पाप का बोझ क्यों ढो रहा हूँ, बम का बोझ क्यों ढो रहा हूँ. ही लैंडेड एंड ही डिसाइड ही क्विट द एयरफोर्स. उसके बाद में वो ही वेंट टू द ओरिएंटल इंस्टीट्यूट इन लंडन, स्टडीड संस्कृत, स्टडीड इंडियन लैंग्वेजेस एंड केम बैक टू द ब्रिटिश काउंसिल. और ऋषि वैली स्कूल में उन्होंने कई बरस पढ़ाया. पर जैसा कि हम जानते हैं कि कई कृष्णमूर्ति के स्कूल, ऋषि वैली स्कूल, फीस बहुत ज़्यादा है. तो उनको लगा ये सामान्य बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ पर बम्बई पूना के रही ज़्यादा बच्चे आते हैं. तो उन्होंने अपना एक छोटा सा स्कूल वहीं से 30 किलोमीटर दूर नीलबाग शुरू करा. और जिसका डिज़ाइन लॉरी बेकर, जो मेरे गुरु थे, उन्होंने उसकी बिल्डिंग इमारतें बनाई. अद्भुत स्कूल था, बिल्कुल गांव के सामान्य बच्चों के लिए स्कूल था. स्कूल 8:30 बजे लगता था, बच्चे 7 बजे स्कूल में आ जाते थे. एक ब्रिटिश काउंसिल की एक कहा, एक दिस इज बीबीसी का एक एड है, चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल, चिल्ड्रन रन अवे फ्रॉम स्कूल. ये स्कूल की सारी पोल खोल देती है. स्कूल उतने उबाऊ होते हैं कि बच्चे बस्ता लेकर के बड़े बोझिल तरीके से स्कूल जाते हैं, पर जब छुट्टी होती है तो तीर जैसे वापस भागते हैं. तो स्कूलों की ये छवि हमको बदलनी चाहिए किसी तरह से. 7 बजे आ जाते थे क्योंकि स्कूल सबसे आकर्षक जगह थी उनके लिए. और स्कूल क्या था, एक लंबा सा हॉल था जिसमें एक तरफ शेल्फ थे, तमाम किताबें रखी हुई थी. मैंने ऐसी संपन्न पुस्तकालय किसी के यहाँ नहीं देखा. 7,000 व्यक्तिगत पुस्तकें डेविड हॉस्प्रो की थीं. उनका बेटे का नाम था निकोलस. निकोलस और डेविड ने कुल मिला के 100 किताबें लिखी, जो सब की सब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस या ओरिएंट लॉन्गमन ने छापी. उनकी एक श्रृंखला है एनवायरमेंट पे, जो कभी 10,00,000 प्रतियां बिकी थी. शायद एकमात्र ऐसी पुस्तक थी जो एनसीईआरटी ने ना छापी हो, पर जो अपने बलबूते पे 10-30 साल पहले ही वुड गेट 30,00,000 रुपीज एज रॉयल्टीज फ्रॉम हिज बुक्स. यू कैन इमेजिन इट वाज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट. और ही वाज अ बिग पेट्रियार्क. ही रैन द स्कूल द वे ही वॉन्टेड. स्कूल में क्या करते थे, बच्चे आ जाते थे इस हॉल के अंदर, बच्चे अपनी गति से पढ़ सकते थे, अपना विषय चुन सकते थे. ये बहुत दुर्लभ बात है. कोई बच्चा 7वीं की गणित कर रहा होता था, 4थी की तेलुगु कर रहा होता था, 5वीं की अंग्रेजी कर रहा होता था, 7वीं की कन्नड़ कर रहा होता था, एक साथ में.
और जब बच्चे अपनी पांचवी की किताब खत्म कर लेते थे तो छठी की उठा लेते थे। कभी कोई दिक्कत आती थी तो एक बच्चा अभी छठी की किताब पढ़ के गया था तो उसकी मदद ले लेते थे। देयर वाज अ पीयर ग्रुप। और कई बार जो अपने साथी हैं, अपने हम उम्र साथी हैं, दे आर मच बेटर टीचर्स देन एडल्ट्स बिकॉज दे आर लेस अथॉरिटेरियन। उस स्कूल के अंदर जितनी भी टीचिंग एड्स थी वो सब बच्चों ने खुद बनाए थे। ये ग्रामीण बच्चे थे जो पांच भाषाओं में दक्ष हो गए थे। शायद एकमात्र ऐसा स्कूल है, कभी इतिहास लिखा जाएगा शिक्षा पे, जिसने ये दर्शाया। और जो जीनोम प्रोजेक्ट ने बाद में इसका सत्यापन करा कि इंसान के चाहे वो गरीब हो, चाहे रईस हो, चाहे गोरा हो, चाहे भूरा हो, चाहे काला हो, वी शेयर 99.99% ऑफ आवर ओन जीन्स। और अगर मौका मिलता है तो गांव के बच्चे भी उतना ही बुलंद हो सकते हैं, उतने ही ऊंची कूद मार सकते हैं जितना कोई शहर का बच्चा या कोई रईस बच्चा। पांच भाषाएं, और बच्चों का आत्मविश्वास तो देखने का मिलता। 170 गाने जानते थे दुनिया की 10 भाषाओं में, क्योंकि दुनिया के जो महान शिक्षाविद थे, एवरीवन वुड कम एंड मीट डेविड हॉस्प्रो, उनसे गाने सुनते थे और गाने एक किताब में दर्ज कराते थे। और जब तक आप उनको एक गाना न सुनाएं आपको स्कूल से उठने नहीं देंगे, इस तरह का उनमें दक्षता थी बच्चों के अंदर। डेविड हॉस्प्रो हमेशा समझते थे कि सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है, ना वो भाषा है, ना वो गणित है, ना वो विज्ञान है, दैट इज फिलॉसफी, दर्शन। तो एक सैटरडे वॉज जस्ट लेफ्ट फॉर फिलॉसफी। वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्कूल। ये बिल्कुल ये है चित्तूर जिले के अंदर, ये करीब 100 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से, और नीलबाग स्कूल है ऋषि वैली से करीब 30 किलोमीटर दूर, दो घंटे में आप बेंगलोर से जा सकते हैं नीलबाग। और ना बच्चों ने भाषा में इतने दक्ष हो गए, थिएटर करते थे, गजब का थिएटर करते थे। डेविड हॉस्प्रो, अगर आपने रंगशंकर का नाम सुना तो रंगशंकर बेंगलोर में जो थिएटर है, ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स विद अरुंधति नाग ऑफ द थिएटर, सो चिल्ड्रन वुड गो एंड परफॉर्म ओवर देयर। बच्चे, मैंने एक चौथी क्लास की बच्ची को देखा है लकड़ी के काम, बढ़ईगिरी के काम में इतने दक्ष थे कि वो एक उसने एक छोटी सी अलमारी बनाई थी, चौथी की बच्ची ने अलमारी बना के घर लेके गई। कुम्हार का काम करते थे, मिट्टी का एक्सक्विजिट पॉटरी। लोग उनसे कई बार डेविड से पूछते थे, आप उनको कुम्हार बनाना चाहते हैं, आप उनको बढ़ई बनाना चाहते हैं, एंड ही वॉज अ वेरी एब्यूसिव मैन, ही वुड से बुलशिट। ही सेड कि जो बच्चे हाथ से काम करते हैं, हम बार बार कहते हैं दी हैंड्स दी हार्ट एंड दी हेड्स आर इंटीग्रेटेड, बट ही एक्चुअली प्रैक्टिस दैट इन नीलबाग। ये आलम था उस स्कूल का कि जब छुट्टी हो जाती थी, 4 बजे छुट्टी हो जाती थी, बच्चे 6 बजे तक स्कूल से हिलते नहीं थे, क्योंकि गांव में कुछ था ही नहीं। सबसे मज़ेदार जगह तो ये थी। और वो शाम को डेविड हैड बिकम टोटली नेचुरलाइज, अंग्रेज ज़रूर थे पर लुंगी पहनते थे, और कई बार जब वो मरे तो उनके यहाँ 300 बोतलें शराब की थी। ही लिव्ड लाइफ इज इट ओन टर्म्स बट अ ग्रेट टीचर। तो जब शाम ढल जाती थी, एकदम सूर्यास्त हो जाता था, तो लुंगी पहने हुए बच्चों को गाना गाते हुए उनके गांव तक की कमक, तो अब तो मेरे प्राण छोड़ो, सुबह से तुमने मेरे प्राण गाए। बहुत लाजवाब स्कूल था। बहुत कम है इस स्कूल के ऊपर, कभी किसी ने कोई फिल्म नहीं बनाई, बहुत कम लिखा गया है स्कूल के ऊपर, किसी ने कई PhD कर सकते हैं, ये ऐसा सुंदर स्कूल था। ये बस एकमात्र इसका एक अवशेष बचा है, वो है कि एक अंग्रेजी में बच्चों की सबसे संपन्न पत्रिका थी जिसका नाम था टारगेट। इंडिया टुडे ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, अरुण पुरी के बारे में सुना होगा। अरुण पुरी जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भारत लौट करके आए तो उनका एक ही एजेंडा था, टू प्रिंट चिल्ड्रंस बुक्स इन इंडिया। तो 75 में जब उन्होंने चालू करा, वेरी सून दे रियलाइज द मार्केट वॉज नॉट डीप इनफ and they went into magazines, but they started a magazine called as Target. Uski founding sampadika thi Rosalind Wilson. Angrez thi, badi ghazab ki insaan thi, badi ghazab ki. Is samay angrezi mein jitne bhi lekhak hain, jo bachchon ke lekhak hain, who's who of children's writers, ye sab ke sab they were nurtured by Rosalind Wilson in the last 30 years. Rosalind Wilson ne ek unka bahut lamba interview liya जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की क्वार्टरली में छपा, जो कृष्ण कुमार ने कभी मुझे भेजा 25 साल पहले, आज वो हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में हमारी वेबसाइट के ऊपर है। पर बहुत ही सुंदर दर्शन था। उन्होंने कहा जो बच्चे अपने हाथ से काम करते हैं वो उनके हृदय में जाता है, वो उनके हेड में जाता है। ये सिर्फ उनको बड़े बनाने के लिए नहीं है, उनको कुम्हार बनाने के लिए नहीं है।
ऐसे एक और स्कूल है जिसका होल्ट ने, जॉन होल्ट से आप लोग परिचित होंगी, उनके एक शायद अमेरिका के सबसे विद्वान शिक्षाविद थे, जिन्होंने एक किताब लिखी हाउ चिल्ड्रन फेल, बच्चे असफल कैसे होते हैं। आज उसका भी मराठी में अनुवाद होकर के आया है, पर हिंदी में हम लोग उसको 20 साल से छाप रहे हैं, बच्चे असफल कैसे होते हैं। होल्ट ने तीन बातें लिखी, एक तो ये था द ए बी सी ऑफ फेलियर। स्कूल इज एब्सर्ड, ए स्टैंड्स फॉर एब्सर्ड। बच्चे वहाँ पर जाते हैं और उनके माँ बाप की तमाम अपेक्षाएँ होती हैं बच्चों से, जो कभी IIT नहीं गए वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे सब IIT में जाएं। मतलब तमाम इतनी बड़ी बड़ी अपेक्षाएं बच्चों के लिए करते हैं और बच्चे उसको झेल नहीं पाते, छोटे बच्चे। यू हैव अ राइट टू मेक अप योर लाइफ, नॉट योर चिल्ड्रंस। और कभी भी अगर आपको इफ़ यू सी अ प्रॉब्लम चाइल्ड, यू कैन ट्रेस अ प्रॉब्लम पेरेंट, बिकॉज उनकी अपेक्षाएं इतनी अधिक होती हैं बच्चों से कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है टू लिव अप टू दोज एक्सपेक्टेशंस, सच हाई एक्सपेक्टेशंस विच देयर। सो स्कूल्स आर वेरी अपसेट, स्कूल्स आर डाउन राइट बोरिंग, क्योंकि जो कुछ भी पाठ्यक्रम होता है उसका जीवन से, जीवांत जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता, इट्स नॉन कंटेक्चुअल। जो आप जिंदगी में देखते हैं और जो किताब में पढ़ते हैं उसका कोई तालमेल नहीं जोड़ पाते, तो इट्स वेरी वेरी बोरिंग। एंड थर्ड इज कन्फ्यूजिंग, इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग बिकॉज यू नो आपको जीवन में कई सारे मूल्य दिए जाते हैं कि किताबों में लिखा है कि घूस लेना मना है, घूस लेना गलत बात है, पर आप वास्तविकता में रोज़ इसको देखते, तो करिकुलम से एक्सट्रीमली कन्फ्यूजिंग, दे डोंट प्रिपेयर यू फॉर लाइफ। सो दी ए बी सी ऑफ फेलियर, होल्ट ने अपनी 13 किताबें लिखी थी उन्होंने, जिसमें से एक किताब में वो दुनिया के जो सबसे महान स्कूल थे, होल्ट उन स्कूलों में गए, वो समरहिल भी गए, समरहिल हिमताई ने उसका मराठी में अनुवाद करा है, पर जो सबसे अच्छा उन्हें स्कूल लगा, मैं उसका आपको थोड़ा सा वर्णन सुनाता हूँ। ये डेनमार्क में एक गांव में, डेनमार्क एक वेलफेयर स्टेट है जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है, तो वहाँ पर अगर कुछ माँ बाप एक स्कूल को चलाना चाहें तो 80% उसका खर्च राज्य सरकार देता है। तो ये स्कूल की बड़ी, इसका स्कूल का नाम है द बेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड। इस पर किसी ने बाद में जब उन्होंने लिखा इसके बारे में, और होल्ट के बहुत चहेते थे पूरी दुनिया में, तो करीब 30 साल पहले एक महिला फिल्म मेकर थी जिनका नाम था पेगी ह्यूज, शी एक्चुअली वेंट एंड मेड अ फिल्म ऑन द स्कूल, और इस फिल्म का नाम बहुत ही अनूठा है, वी हैव गॉट टू कॉल इट अ स्कूल। अगर स्कूल का इसको नाम नहीं देंगे तो बच्चे यहाँ पर नहीं आएंगे। अब स्कूल का आलम क्या था, 50-60 बच्चे थे, एक हॉल था, टीचरों की कल्पना बिल्कुल अलग थी। अगर BEd और MEd हैं तो यू आर मिसफिट टू बी विद चिल्ड्रन, यू हैव बीन म्यूटिलेटेड बाई द सिस्टम, यू आर नॉट फिट टू बी विद चिल्ड्रन। उसमें ऐसे लोग थे जिनके जो बड़े बड़े हुनर थे, एक संगीतज्ञ था, उसमें से एक नर्स थी, एक लाइब्रेरियन था, एक साइकिल मैकेनिक था, क्योंकि अगर आप कुछ कुशलताएं बच्चों को डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं तो एन आउंस ऑफ जिसको कहेंगे स्किल्स इज मच मोर देन अ पाउंड ऑफ वर्ड्स। पीपल हु कैन डू थिंग्स अट्रैक्ट चिल्ड्रन लॉट मोर। अब स्कूल में क्या था आलम, कोई करिकुलम नहीं, कोई किताबें नहीं, एक तो दिन भर बच्चे आकर के बतियाते थे। स्कूल तो बिल्कुल उल्टा है, बात किसको करना चाहिए, बच्चों को, और बात करती है टीचर। तो स्कूल तो जो प्राकृतिक शिक्षा है उसको सिर के बल खड़ा कर देता है। तो दीज चिल्ड्रन हैव बिकम, दिन भर अपनी राम कहानी सुनानी, अपने दोस्तों के साथ में गप, दे बिकम वेरी गुड विद वर्ड्स, अमेजिंग विद वर्ड्स। पास में एक ब्रूरी थी, इस स्कूल के अंदर एक छोटा सा ताल था, देयर वाज सम गोल्ड फिशेस देयर। एक बच्चा 4 घंटे आकर के वुड जस्ट वॉच गोल्ड फिशेस, दिस वॉज ओके फॉर द स्कूल। पास में एक ब्रूरी थी, पहले ज़माने में आपको देखा होगा कोका कोला की लकड़ी की क्रेट्स होती थी, दिस ब्रूरी हैड स्विच्ड ओवर टू प्लास्टिक क्रेट्स। तो 3,000 लकड़ी की क्रेटें उन्होंने एक पहाड़ दे डिस्कार्डेड, ये बच्चे उस हॉल में 3,000 क्रेट ले आए। एवरी डे द चिल्ड्रन टू डिसाइड विच इज़ आर म्यूजिक रूम, विच इज़ आर रीडिंग रूम, विच इज़ दी विच इज़ आर प्ले रूम। और मैकेनिक बड़ी बड़ी हैं ये, इनसे दीवारें बनाते थे, इनसे कुर्सियाँ मेज़ें बनाते थे, रोज़ एक प्लान बनाते थे, और पूरा स्कूल उसके अंदर, क्योंकि बच्चे ही इसका प्लान बनाते थे तो वो खुद उसको एग्जीक्यूट करते थे। कभी कोई एक बच्चा बहुत संगीतक था वहाँ पर, और कोई अपना ढोल बजाता था, बाकी बच्चे नाचने लगते थे, हाथ इधर जा रहा है, हाथ उधर जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
But every child was dancing. स्कूल से कहा गया कि भाई अगर आपके पास में कुछ पैसे होते तो आप उस समय नफील्ड साइंस प्रोग्राम इंग्लैंड के अंदर सबसे मशहूर प्रोग्राम था दुनिया के अंदर, हम लोग होशंगाबाद विज्ञान में नफील्ड विज्ञान को देख करके बहुत प्रेरित हुए थे 70 के दशक में, तो उनसे कहा गया कि वुड यू बाय द नफील्ड किट्स, तो स्कूल ने कहा नहीं भैया। एक दिन स्कूल बंद रहता था हफ्ते के अंदर, कभी किसी बेकरी में जा रहा है, जो बाल भवन ने बहुत करा है, अपने शहर को जानो, सबसे आनंद तो वहाँ है जहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें बनती हैं, होती हैं, बच्चों को बेहद रुचि है, स्टेशन पर क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, अपने मंडई के अंदर क्या होता है, अपने शहर को जानो और असली चीज़ें कैसे, बच्चे दुनिया में नए होते हैं, वो दुनिया को समझना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू फिगर आउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, और इसमें बड़ा आनंद आता है बच्चों को। शोभा ताई ने एक 10 साल पहले किताब लिखी थी जब बाल भवन के 15 वर्ष हुए थे, जिसका हम लोगों ने हिंदी में अनुवाद करा, और जिसमें कहा कि कोका कोला की फैक्ट्री लेके जा रहे हैं जहाँ पर तेल की पेरणी हो रही है, तेल निकल रहा है शेंगदाने का, वहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो बेहद आनंद आता था। इसी तरह का स्कूल एक दिन हफ्ते में बंद रहता, दिस इज पार्ट ऑफ देयर करिकुलम टू गो टू वेयर पीपल एक्चुअली वर्क। जब उनसे पूछा गया दैट अगर आपके पास कहीं से पैसा मिल जाए देन वुड यू लाइक टू बाई दी नफील्ड साइंस किट्स, उन्होंने कहा तौबा तौबा, नफील्ड अपने घर रहे, अगर हमें कहीं से, अव्वल तो बहुत मुश्किल है पैसा मिल पाना, हम गरीब स्कूल हैं, पर अगर कहीं से हमको पैसा मिल भी गया तो हम एक पुरानी बस खरीदेंगे कि जिससे बच्चों को हम रोज़ समुद्र के तट पे लेके जा सकें, पहाड़ियों पे लेके जा सकें। बड़ा बहुत ही सुंदर स्कूल था और स्कूल के नतीजे बड़े अच्छे निकले। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं जो वैकल्पिक स्कूल हैं कि भाई मेन स्ट्रीम में किस तरह से, यही माँ बाप को खाया जाता है कि भाई मेन स्ट्रीम में कैसे फिट होगा, वैकल्पिक स्कूल में हमारा बच्चा गया है। स्कूल के बच्चे इतने भाषा के अंदर इतने तेज़ हो गए थे कि कोई भी जो परीक्षा होती थी एंट्रेंस एग्जाम किसी भी स्कूल का, दे वुड क्रैक इट एंड दे डिड वेरी वेल इन द नॉर्मल स्कूल्स। पर एक बहुत सुंदर बचपना, खुशहाल बचपना बीतने के बाद में भी स्कूल का एक परीक्षा क्रैक करना बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता उसमें, एनी निटविट कैन डू इट, बट चिल्ड्रन हैड लर्न अ लॉट मोर फ्रॉम दी स्कूल्स। हम लोगों ने बहुत चेष्टा करी, आप लोग सब लोग दिवासम को आज से 25 साल पहले शोभा ताई ने इसका अनुवाद करा, 1980 में मैंने ये किताब पढ़ी थी, तब तक दुनिया का बहुत कुछ शिक्षा पे पढ़ा था, पर जब दिवासम पढ़ी तो लगा कि पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। हमारे देश के अंदर इस तरह का प्रयोग 24 साल विजू भाई भावनगर के अंदर इस तरह का स्कूल चलाते रहे, गजब की किताब है। आज ये शायद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने छापी, आज 14वें संस्करण में, और इसको 11 भाषाओं में नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है। अद्भुत कृति है, पिछली शताब्दी की अपने देश की सबसे मौलिक कृति अगर शिक्षा पे है तो वो दिवास्वप्न है, और दिन का आज भी हमारे लिए दिन का सपना है। हम क्या सपना तय करेंगे, ये तो 1928 का सपना हम पूरा नहीं कर पा रहे। गिचू भाई बड़े संवेदनशील थे, गांधी जी जैसे पेशे से एक वकील थे, 2 बरस साउथ अफ्रीका गए, वापस आए, एक बेटा पैदा हुआ नरेंद्र भाई, और नरेंद्र भाई के लालन पालन में गिचू भाई पूरी तरह से मशगूल हो गए। वो गिचू भाई बहुत ही मौलिक ओरिजिनल व्यक्ति थे, लीक पर चलना नहीं जानते थे। एक बहुत संवाद है मॉन्टेसरी और गिचू भाई के बीच में, बड़ी लड़ाई हुई मॉन्टेसरी और गिचू भाई की। गिचू भाई ने कहा मैडम आप इस देश को समझती नहीं है, आप लोग को बहुत कम को मालूम होगा कि मॉन्टेसरी स्पेंट 5 ईयर्स इन इंडिया, शी वॉज स्ट्रैंडेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर and she came from Italy which was a fascist state which had aligned with Germany and to unko Italy mein wapas aane se mana kar diya, to yahan par Rukmani Arundel ne kala kshetra mein unko aashray diya aur 5 saal tak bahut se hazaron shikshakon ko, meri website pe agar aap dekhenge Montessori ne 12 bhashan diye the shiksha pe All India Radio pe which were transcribed and which I have put on my website। unhone kaha ki Montessori ki paddhati kai manon mein unhone bahut kranti, कई बार शिक्षा में जो मौलिक काम करे हैं वो बीएड एमएड और पीएचडी इन एजुकेशन नहीं करे हैं। पीपल फ्रॉम जस्ट आउटसाइड द फील्ड हैव शोन अ न्यू लाइट, हैव टेकन अ न्यू टेक ऑन एजुकेशन। मॉन्टेसरी वाज वंस अ जीनियस। बहुत कम लोग जानते हैं कि मॉन्टेसरी इटली की पहली महिला मेडिकल डॉक्टर थी। शी वॉज नॉट अ बीएड, शी वॉज नॉट एन एमएड, फर्स्ट लेडी साइकियाट्रिस्ट हु डिड हर MBBS and then did her MD in psychiatry and then worked with slow learners. That's where she evolved all her pedagogic theories. एक मॉन्टेसरी की जीवनी से बहुत ही सुंदर कहानी है,
मॉन्टेसरी ने बहुत सारी टीचिंग एड्स बनाई जो आज भी 100 बरस बाद भी हम लोग इस उपयोग करते हैं। एक उसमें सी थी जिसका नाम था पोस्ट बॉक्स। एक डब्बा होता था और डब्बे में 6 सतह हैं, एक आयताकार डब्बा है, एक में गोला कटा है तो बच्चे को चेंडू डालना है, एक में ट्राइंगल है, एक प्रिज्म को स्लाइड करना है। सो देर बी टू डायमेंशनल शेप्स ऑन द सर्फेसिस ऑफ दिस बॉक्सेस एंड चिल्ड्रन हैव टू पुट इन 3 डायमेंशनल। आज भी उसके कई रूप आपको दिखाई देंगे। एक पादरी थे हु वॉज वेरी फैसिनेटेड बाई वॉट मॉन्टेसरी वॉज डूइंग। एवरी संडे आफ्टर मास आफ्टर द चर्च ही वुड कम डाउन टू मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी डेमोंस्ट्रेट करना चाहती थी कि बच्चों की व्हाट आर द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। एक 4 बरस की बच्ची थी जो पोस्ट बॉक्स से खेल रही थी और अपनी दुनिया में खो गई थी, रमी थी, कौन सा गुटका कौन से खांचे में जाता है। मॉन्टेसरी ने बाकी बच्चों से कहा इसके चारों ओर एक गोला बनाओ, एक गाना गाओ जिसके इसके विचारों की धारा के अंदर विघ्न पड़े। इस बच्ची ने सिर उठा के नहीं देखा। बच्चे घंटियों से मॉन्टेसरी ने उसको उठाया और टेबल पर रखा। As soon as she got a berth, she once again got absorbed into what goes into what, which block goes into which slot. ये priest, पादरी बड़े ही भले, he was a good Samaritan, and every time he would get some chocolates, toffees, lollipops for the children, उनको बांटते थे। उस दिन एक बिस्किट का डब्बा लेकर के आए थे, सब बच्चों को बिस्किट दे रहे थे। इस बच्ची को भी बिस्किट दिया, उसने बड़े अनमने भाव से देखा। It's a rectangle and she put in the rectangular slot. 100 बरस पहले मॉन्टेसरी से हमने एक चीज सीखी, बच्चे घूस से, लालच से, सर्टिफिकेट से, तमगों से, मेडल से, स्टार से नहीं सीखते। ये सब छूटे हैं, फीके हैं। बच्चे दुनिया में नए होते हैं, दे वॉन्ट टू डिस्कवर द वर्ल्ड, दे वॉन्ट टू फिगर आउट द वर्ल्ड। और ये दिस इज एक्सट्रीमली प्रोपेलिंग फोर्स। आप फीकी चीज क्यों ले रहे हो? लेट देम अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। सो दिस इज द एसेंस ऑफ मॉन्टेसरी। I must also tell you that last year, the Montessori Association, which is based in Italy, Association Montessori, it's an Italian name, from all people, they picked me up as a member of the Montessori Association. And हमारी 4-5 किताबों में से एक किताब में से सारे प्रयोग निकाल करके this year they're going to publish in Italian. So it's a different kind of a brain drain. दिवासों में मैं आ रहा था, छोटी सी इसकी एक झलकी ज़रूर बतानी चाहिए। ये बिल्कुल आत्मकथा है गिजू भाई की। स्कूलों में जो हो रहा है हालात हैं उससे बहुत प्रेरित है। घंटी, यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक, तभी भी लक्ष्मी शंकर इसमें नाम है, पर गिजू भाई की आत्मकथा है। बहुत ही पीड़ित थे ये स्कूलों में क्या हो रहा है। आज तो हालत और भी बदतर हो गई है। एक अंग्रेज सब लोग के, अगर इस तरह का कोई मौलिक चिंतक होगा तो उसको आज भी लोग कहेंगे सिरफिरा है, ये नक्सली है, माओवादी है। समाज में जो मौलिक चिंतक हैं उनको हाशिए पे खड़ा करने के लिए लोग खिताब लगा देते हैं। खैर उस समय एक अंग्रेज़ों का राज था और एक ब्रिटिश एजुकेशन ऑफिसर थे, उनसे भी जा करके इन्होंने अपनी राम कहानी रोई कि सर ये क्यों यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्यों ये प्रार्थना होनी चाहिए, क्या लेना देना इसका, मैं पीला पहने हूँ कि काला पहना हूँ, मेरे भेजे में क्या जाता है, क्या लेना देना, कोई पूछता नहीं है ऐसे सवाल। तो कहते हैं यार तुम बड़ी मौलिक बात करते हो, यू आर टॉकिंग ऑफ वेरी रेडिकल रिफॉर्म्स, आई विल गिव यू क्लास 4th, तुम एक साल जाके इसको पढ़ाओ, मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊँगा। इसको गिजू भाई इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन कक्षा के अंदर जाते हैं और कक्षा में बिल्कुल मच्छी बाजार जैसा, बच्चे लड़ रहे हैं एक दूसरे पर, पत्थरबाजी चल रही है। तो लक्ष्य तो गिजू भाई कहते हैं बच्चों आज हम शांति का खेल खेलेंगे। मैं कहूँगा ओम, आप भी आंखें बंद के, उनका थोड़ी शांति बहाल होगी क्लास के अंदर। तो गुरुजी तो ओम कह रहे हैं, बाकी सारे बच्चे कुत्ते बिल्ली की आवाज़ निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार बहुत पढ़ा था, शिक्षा के ऊपर दर्शन पढ़ा था, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ी थी, पर आज झेल लिया इन कमबख्तों को। बड़े पहले किताब में लिखा है कि 3 बजे तक गिजू भाई ही स्पेसिंग अप एंड डाउन कि बच्चों के आत्मा को किस तरह से स्पर्श करूं, हाउ डू आई रीच आउट टू चिल्ड्रंस हार्ट्स। अगले दिन कक्षा के अंदर जाते हैं और बच्चों से कहते हैं आज तुम्हारी छुट्टी। अब छुट्टी एक जादुई शब्द है, चाहे कोई स्कूल हो छुट्टी छुट्टी होती है। ठीक है, बच्चे भाग रहे हैं और गिजू भाई उनके हाथ छोड़ के विनती करते हैं कि बेटा छुट्टी तो दी है, मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। बच्चे हम लोग कहते हैं कि शिक्षक हैं, हम लोग मूल्यांकन करते हैं, हमारे हाथ में लाल कलम होती है, एक सत्ता का द्योतक है लाल कलम। पर मुझे यकीन मानिए, मैं 3000 एक स्कूलों में गया हूँ कि जब कोई टीचर कक्षा के अंदर आता है बच्चों को मालूम है कितने पानी में है।
तो बच्चे कहते हैं अच्छा बुड्ढा है, छुट्टी दे रहा है, कहानी सुना रहा है, चलो कहानी सुन लेते हैं इसकी. वेरी गुड असेसमेंट ऑफ एनी टीचर बाय एनी चाइल्ड. कहानी शुरू होती है, एक राजा था, 7 महल थे. इसमें 2 लाइनें हैं. क्लास में सन्नाटा छा जाता है. 3 घंटे कहानी चलती रहती है, घंटी बज जाती है, 3री के 5वीं के बच्चे बस्ता लेके घर भाग रहे हैं. ये बच्चे कहते हैं गुरुजी थोड़ा सा कहानी को लंबा कीजिए. तो गिजू भाई कहते हैं कि आज मैंने बहुत पोथी बहुत पढ़ी थी, पर आज मैंने बच्चों से कुछ सीखा. अगले 10 दिन कहानी दर कहानी, और सारा जो इतना शोर मचा रहे थे बच्चे, मच्छी बाजार था, सब गोले में चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि ये कहानियों का जादू है जो बच्चों को घेर करके बैठा हुआ. कोई बच्चा अगर शोर भी मचाता है तो बाकी बाजू वाला उसको चपत मारते, चुप, बाहर जाके शैतानी कर, हमें कहानी सुनने दे. विघ्नापन. दिस इज नॉट द केन ऑफ द टीचर बट द पावर ऑफ द स्टोरीज. 11वें दिन वही रट लगाई, गुरु जी और कहानी सुनाइए. तो गिजू भाई कहते हैं तो को बेटा सारी जो कहानियों का मेरा सारा खजाना था तुम कमबख्तों ने लूट लिया, सारी कहानी तुमको सुना डाली, और कहानी नहीं आती. तो देखो पर हमारे क्लास में कक्षा में 50 बच्चे हैं, हर एक के पास वही गुजराती की, वही समाजशास्त्र की, वही संस्कृत की किताब. तौबा तौबा, ऐसी गलती मत कर, इस साल किताबें मत खरीदना, तुम 3 किताबों के पैसे मुझे दे देना. इन द 20s ही डज अवे विद टेक्स्ट बुक्स एंड बाइज 3 picture story books फॉर एवरी चाइल्ड. सपना क्या था? 3 बाल भारती की घटिया किताबें ना पढ़ो, पर 150 सुंदर किताबें पढ़ो. ये सपना था कि छुपाए का, तभी इस किताब का नाम है दिन का सपना. आज भी हमारे लिए दिन का सपना है. इस तरह के मौलिक चिंतक बहुत ही कसब की किताब है. आज ये 11-12 भाषाओं में आई है. बहुत ये गुलाम दिमाग की बात है कि हम लोगों ने बहुत साहित्य पढ़ा, किसी हमारे बीएड के कॉलेज में गिजुभाई नहीं पढ़ाए जाते. सब हम और बहुत तमाम शिक्षाविद पढ़ाते हैं, पर एक मौलिक व्यक्ति थे जिन्होंने, गांधी जी ने गिजुभाई को एक खिताब दिया था, मुछाली माँ द मुस्टैश, दीज हैंडल बार मुस्टैशेस. और गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी इतने व्यस्त थे कि बच्चों के साथ अधिक काम करने का मौका नहीं मिला, कि जो कुछ भी मौलिक कार्य करा है बच्चों के लिए वो गिजू भाई ने करा है, वो मुछाली माँ का उनको नाम दिया था. बहुत ही सुंदर किताब है. तो चांद ये हमारा, जितने भी हमारी सरकारी संस्थाएं, बहुत सोई हुई संस्थाएं हैं. मैंने बहुत के साथ में 30 साल से आई एंगेज विद मेनी इंस्टीट्यूशंस, दी NCERT, दी नेशनल बुक ट्रस्ट, दी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये सोई हुई संस्थाएं और एक गुलाम दिमाग है हम लोगों का. हम लोग शायद आज़ाद हुए हों, पर क्या अच्छी चीज़ है. दिस इज़ दी वर्क ऑफ दिस. ये भी 80 में करीब पढ़ी थी हमें, और जब ये पढ़ा तो बिल्कुल ऐसी किताब जीवन में नहीं पढ़ी. और अब कुछ करना चाहिए इसको लेकर के. तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथी नहीं है सुजीत पटवर्धन, तो हम लोगों ने इसकी 2000 प्रतियाँ पायरेटेड 2000, क्योंकि ये सब अंधी संस्थाएं हैं, बैरी संस्थाएं. आप चीखे कोई आपकी आवाज़ नहीं सुनता, आप काली कोठरी में बंद हैं, कोई प्रकाश की किरण नहीं, आप कितना चीखिए आवाज़ पहुँचती नहीं ऊपर तक. तो और 9 मेरे मित्र थे जिन्होंने इसके लिए पैसा दिया. पहले 1000 प्रतियाँ छापी, 100-100 प्रतियाँ 9 लोग को भेज दी. 4 साल में 7 भाषाओं में खुद आ गई थी किताब. लोगों के अंदर एक सेल्फ एक्टिविटी है, लोग कुछ अच्छा पढ़ते हैं तो उसको अपनी भाषा में अपनी जुबान में लाना चाहते हैं. 7 भाषाओं में, फिर 3-4 और भाषाओं में करके मैंने 11 इसके भाषांतर NBT को सबमिट करे. उस समय NBT के बहुत ही सुंदर एक डायरेक्टर थे अरविंद कुमार जिनका नाम है. आज आप इस पे इसको पढ़ेंगी तो एक मराठी के अंदर 20वां संस्करण है इसका. तो इससे लगता है कि हमारे लोगों में बहुत भूख है अच्छे साहित्य के लिए, बहुत भूख है, प्रबल भूख है. और हमारा छोटा सा डेल्टा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, लोगों की भाषा में दुनिया की सबसे सुंदर किताबें उन तक पहुँचाएँ. यहाँ पर उल्लेख है जिसमें शिक्षा भी एक बहुत बाल साहित्य इस देश के अंदर रचा गया है, बहुत बाल साहित्य रचा गया है, पर जो दुनिया का बाल साहित्य है उसके बारे उससे हमें बहुत कम लेना देना, बहुत कुछ सीखने के लिए है. यहाँ पर मैं एक किताब का जिक्र करूँगा जिसका नाम है गेनेक. ये धन गोपाल मुखर्जी ने लिखी, ये भी 1928 में लिखी गई थी. धन गोपाल मुखर्जी एक क्रांतिकारी थे, बंगाली थे, एक ब्राह्मण परिवार से आते थे, और किसी तरह से वो अमेरिका पहुंच गए, और एक जहाज के अंदर खाना बनाते हुए लाइक अ कुक ही रीच्ड अमेरिका. एंड देन ही वाज वेरी गुड इन इंग्लिश, ही स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर्स एंड स्टार्टेड राइटिंग बुक्स.
1928 में इस किताब को अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार जो बाल साहित्य के लिए होता है हर वर्ष जो सबसे अच्छी पुस्तक होती है उसको न्यूबेरी अवार्ड से नवाजा जाता है. दिस अवार्ड वाज गोइंग सिंस जॉन न्यूबेरी करके एक उनके ऊपर इसका नाम है न्यूबेरी अवार्ड एंड दिस इज गिवन बाय द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हर वर्ष. 1928 में क्योंकि तब तक वो अमेरिकन सिटीजन हो गए थे इट वॉज गिवन. 1996 में 50 साल हो गए थे हमारी आज़ादी के. NBT ने कहा अच्छे डायरेक्टर थे अरविंद कुमार तो मैंने उनको सुझाव दिया दैट वी मस्ट प्रिंट समथिंग विच मस्ट मेक अस प्राउड एज इंडियंस समथिंग वर्ल्ड क्लास. ही डाइड इन 1936 सो दिस बुक वॉज इन द पब्लिक डोमेन एंड NBT हैज प्रिंटेड दिस इन टू 10-12 लैंग्वेजेस. द ओनली न्यूबेरी टाइटल ऐसी 80-100 न्यूबेरी टाइटल है कोई शायद एकमात्र ये एक न्यूबेरी टाइटल है जो इसका अनुवाद किसने करा मारुति चिंतपल्ली आप लोग सब लोग अवगत होंगे उनके काम से और वो इसको अनुवाद करके इतने ही वो सो हैप्पी दैट ही रोट टू मी दैट कैन यू प्लीज सेंड मी अदर बुक्स बाय धन गोपाल मुखर्जी विच हैज एबल टू एक्सरसाइज रॉक्स एंड सेंड टू मारुति भाई बट दिस इज सच एन अमेजिंग बुक. आई थिंक इट्स 20 or 30 रुपीज बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट. पर किसी भी अन्य ये एकमात्र किताब है न्यूबेरी की जो मराठी में आई है हिंदी में आई है और कोई नहीं आई है. इसी तरह से जो उस वर्ष की सबसे अच्छी सचित्र बाल पुस्तक होती है अमेरिका के अंदर उसको कैल्डिकॉट अवार्ड से नवाजा जाता है. देर इज नॉट अ सिंगल दीज आर अमेजिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन. हर एक किताब के ऊपर एक न्यूबेरी की सील होती है. अगर आपने न्यूबेरी की सील देखी तो दिस इज अ पासपोर्ट फॉर ग्रेट लिटरेचर. देर आर नो कमर्शियल इंटरेस्ट इन दीज बुक्स. दे गो थ्रू मेनी मेनी फिल्टर्स एंड अल्टीमेटली द अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफर्स दिस अवार्ड. इट्स अ ग्रेट अवार्ड. हम लोगों ने बहुत चेष्टा करी 80 न्यूबेरी और कैल्डिकॉट की किताबें मेरी वेबसाइट पे. अब आप ये पूछ सकते हैं ये कैसे हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर. ये बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है. लोग आपको परेशान नहीं करते बहुत परेशान करते हैं. पर जब हम डालते रहते हैं कभी नोटिस आता है तो निकाल लेते हैं कहते हैं माफ़ कर दीजिए साहब तब तक 20,000 लोगों ने डाउनलोड कर ली होती हैं और ये सिलसिला जारी रहता है. ये बहुत ही और सुंदर किताब है. ये मराठी में भी आई है जिसका नाम है दुष्यंत. अगर किसी किताब को पढ़ करके अगर आप जार जार रोने लगें तो उसका नाम ये दुष्यंत है. ये चंगेज़ आइतमतोफ ये किर्गिज़ हैं किर्गिस्तान के. अगर किर्गिस्तान में नहीं पैदा होते तो उनको ज़रूर नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाता. गज़ब के मैन ऑफ डीप लिटरेचर वंडरफुल मैन. और इसको भी हम लोगों ने बहुत चेष्टा करी आज से करीब 17 साल पहले. आपने भीष्म साहनी का नाम सुना होगा जिन्होंने तमस लिखी है. भीष्म साहनी जी ने 12 वर्ष रूस में गुजारे और सबसे पहले उन्होंने मूल रूसी से इसका हिंदी में अनुवाद करा. वो बहुत सुंदर अनुवाद है सीधा हृदय को छूता है. फिर हम लोगों ने हमारी मित्र हैं उन्होंने इसका मराठी में अनुवाद करा जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापा है. दुष्यंत दिल को छूने वाली किताब है. इस पर 70 के दशक में एक रूस में एक फिल्म भी बनी थी दुष्यंत को लेकर के. का इस तरह का सिलसिला है एक कि बहुत सी जब तक हमारे शिक्षक अच्छी किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक अच्छे विचार कैसे आएंगे. दुनिया के सबसे बड़े नवाचार हम लोग को अपने शिक्षकों तक लाने चाहिए तभी उनके दिमाग खुलेंगे. ये बिल्कुल बहुत सीमित जो दायरा है जो कल्पना शक्ति है कि लोग उसमें एक हिमा जी ने एक बेहद सुंदर किताब का समर हिल एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग बुक है दुनिया की. हम लोगों ने इसको अंग्रेजी में लाया एकलव ने मराठी में हिमाताई ने करा पूर्वा जी ने इसका हिंदी में करा और गुजराती में 4 भाषाओं में हम समर हिल को लेकर के आए. ये हमारी ज़मीन बेहद ही बंजर ज़मीन है. यहाँ पर बहुत बंजर ज़मीन है. आलम यह है कि अगर कोई अच्छा बच्चा भी होगा अच्छा बीज भी होगा तो वो कुंभला जाएगा मुरझा जाएगा. उसके लिए कोई मिट्टी नहीं है कोई मिट्टी नहीं है उसको. और हम लोग का काम बस ये है कि हर रोज़ एक मुट्ठी मिट्टी पैदा. क्योंकि जब तक मिट्टी नहीं होगी तब तक बीज अंकुरित नहीं होगा. ये ज़रूरी है. और इस देश में हमारे देश में इतना कुछ करने के लिए है कि कभी आप निराश नहीं हो सकते कभी आप हताश नहीं हो सकते क्योंकि बेहद काम करने के लिए. अभी इस उसमें एक बहुत आज से करीब 10 साल पहले बाल भवन ने दिस इज़ लेटर टू अ टीचर प्रिय भाई 1970 में सुधा कुलकर्णी जी ने इसको अनुवाद किया था. मुंबई में रहती हैं और ग्रंथालय ने इसको छापा था.
और हम लोगों ने बहुत चेष्टा करी, उनको लिखा आप कितनी रॉयल्टी देंगे, हमें कोई रॉयल्टी नहीं हमारे पास देने के लिए। सुधा जी ने अनुमति दे दी आप छाप सकते हो इस किताब को, प्रिय बाई को। फिर गरवारे बाल भवन ने, दिस इज़ द लास्ट रिसॉर्ट, वी आर नॉट बॉर्न पब्लिशर्स, पर जब कोई नहीं छापता तो दिस इज़ द लास्ट रिसॉर्ट टू पब्लिश इट, एटलीस्ट टू मेक इट अवेलेबल टू पीपल। सुप्रिय बाई गजब की किताब है। पहला सेंटेंस है, स्कूल इज अ वॉर अगेंस्ट द पुअर, इट्स अ वेरी टफ बुक। इसका इतिहास ये है कि फादर डॉन मिलानी, मतलब एक लिबरेशन थियोलॉजी है कि ईसाइत में भी कुछ लोग हैं, ईसा तो गरीब लोग के लिए थे ना, अमीरों के लिए तो नहीं थे ईसा मसीह। तो बहुत से जो जेसुइट प्रीस्ट हैं, जेसुइट प्रीस्ट हैं, कहाँ कहाँ से अपने वतन छोड़ करके आते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। तो उन्होंने कहा ये हम रईसों के बच्चों को पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान नहीं आए थे, ये किसी देश में नहीं गए थे, वी मस्ट रीच आउट टू द पुअर, दिस इज लिबरेशन थियोलॉजी। सो फादर डॉन मिलानी वॉज अपॉइंटेड पैस्टर इन अ वेरी बैकवर्ड रूरल माउंटेनियस एरिया ऑफ इटली, टस्कनी के पास। क्या करते थे, रात को रात्रिशाला चलाते थे, बस वो गरीब मजदूर थे, पेजेंट्स थे, उनके बच्चों को उन्होंने ना केवल उनको लिखना पढ़ना सिखाया, पर ये सिखाया तुम गरीब क्यों हो, ये स्कूल बार बार तुमको क्यों हकालते हैं, क्योंकि तुम दलित हो, तुम गरीब हो, तुम अछूत हो, इसलिए स्कूल तुमको बार बार। और एक बात, फादर मिलानी का देहांत हो गया 67 के अंदर, और वो बार बार कहती थी कि जो कुछ भी लिखना हमेशा तथ्यों पे आधारित हो, कल्पना की उड़ान ना हो, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। इन बच्चों ने, 7वीं 8वीं के बच्चों ने, गरीब बच्चों ने, दे मार्शल्ड सो मेनी फैक्ट्स दैट द इंटरनेशनल मैथमेटिकल एसोसिएशन गेव देम अ प्राइज फॉर मार्शलिंग सच स्टेटिस्टिक्स। दिस इज एक इसकी बड़ी खूबी की बात है। आज ये किताब जिंदा है मराठी में, ये हम लोग का बहुत सौभाग्य है, और इस तरह की किताबें लगातार छपती रहें, चाहे बहुत संकीर्ण धारा हो, एक मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम है, जो बहुत ही तेज़ धारा है, लोग को रौनती भी चली जा रही है, चाहे ये पगडंडी हो, हाईवे ना हो, पर इस धारा को जिंदा रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही विचारक चिंतक निकल करके आएंगे। जिस तरह से हमारी दिवा स्वप्न, कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत से शिक्षा के ऊपर, स्कूल इज डेड, 1960 के अंदर एक एवरेट रिमर ने एक किताब लिखी थी स्कूल इज डेड, स्कूल की बहुत टीपा टिप्पणी हुई है पिछले 50 साल के अंदर। स्कूल एक संस्था है जो बिल्कुल प्राकृतिक नहीं है। आप क्या करते हैं भाई, हम उम्र के सब बच्चों को, हम उम्र के, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल के अंदर, बेहद इंपॉर्टेंट है, सबको इकट्ठा करके एक कमरे में बंद कर देते हैं एक एडल्ट के साथ में। आप घर के अंदर आप देखिए कि बच्चे अपने माता पिता से, दादा दादी से सीखते हैं, छोटे भाई बहनों को सिखाते हैं, चाचा चाची से, एक बहुत ही ऑर्गेनिक एक सीखने का रिश्ता रहता है। स्कूल के अंदर ये सब कट जाता है, सब कट जाता है। स्कूल एक बहुत ही, स्कूल इज बीन क्रिटिक्ड, एक डेंजर स्कूल करके एक किताब, जो हमने पिछले 30 साल से इस किताब को किस तरह से जिंदा रखा है वो अपने अंदर एक कहानी है। पॉलो फ्रेरे का नाम आपने सुना होगा, पॉलो फ्रेरे एक ब्राज़ील के महान शिक्षाविद थे, जिन्होंने 70 के अंदर, क्रांतिकारी शिक्षाविद थे, जिन्होंने एक 30 दिन के अंदर गरीब मजदूरों को, खेतीहर मजदूरों को, गरीब कृषकों को 30 दिन के अंदर लिखना पढ़ना सिखाया। उनकी किताबें हैं पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड, कल्चरल एक्शन फॉर फ्रीडम। और चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके नुमाइंदे, उसके लोग पढ़े लिखें और सवाल पूछें, क्योंकि जो कोई भी शासक शासन में होता है उसके लिए सवाल, अगर कोई उसकी प्रजा पूछे तो सबसे कठिन बात यह है। 30 दिन के उनको देश निकाला, दे दिया गया, ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ ब्राज़ील फॉर दिस वेरी रिवोल्यूशनरी पेडागॉजी। तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज में जिनेवा ने उनको एक स्थान दिया, उन्होंने एक संस्था शुरू करी जिसका नाम था आईडेक। आज ये संस्था कब की बंद हो चुकी है, उसकी जो कुछ बची हैं 6-7 किताबें, दिस आर ऑन माय वेबसाइट। एक ब्राज़ील के कार्टूनिस्ट थे, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट, जिसका नाम था क्लॉडियस। तो शायद ही दुनिया के अंदर सबसे पेनी, तेज नज़र वाली कार्टून बुक ऑन एजुकेशन, जो शिक्षा की धज्जियाँ उड़ाती है कि स्कूल हमारे बच्चों को क्या करते हैं। एज अ कंपैशनेट पेरेंट यू मस्ट रीड दिस जस्ट टू नो व्हाट स्कूल्स डू टू आवर चिल्ड्रन।
बहुत ही संजीदा इसको इसको भी हिमा जी ने मराठी में अनुवाद करा, मनोविकास ने छापा, 7 भारतीय भाषाओं में। बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। हमारे यहाँ ये जो एक अंडरग्राउंड है एडुकेशन का पर उसको फैलने में बहुत बहुत देर लगती है। पहले हम लोग का एक पोस्ट कार्ड नेटवर्क था कि रोज़ 50-60 पत्र लिखने, पोस्ट कार्ड लिखने, क्योंकि पोस्ट कार्ड के हमें लगता था कि भारत सरकार को 1 रुपया खर्च आता है, पोस्ट कार्ड लिखने में 15 पैसे का मिलता है, तो भारत सरकार पे हम एक तो पत्थर मार रहे हैं अब वो भी जमाना लग गया कि अब ईमेल के ज़रिए एक इस तरह का नेटवर्क है, बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं। पर डेंजर स्कूल एक दुनिया की गजब की किताब है जो हर एक को पढ़ना चाहिए। उससे प्रेरित होकर के एक NID का स्टूडेंट था गांगुली, प्रसन्न गांगुली, एंड ही मेड अ फिल्म विच इज़ कॉल्ड एज डू फ्लावर्स फ्लाई। इट्स अ हिट ऑन YouTube, यू कैन सी दिस एनिमेटेड फिल्म। 4 मिनट की फिल्म है जिसमें कोई शब्द नहीं है और जो आपको हिला देती है, बहुत ही सुंदर फिल्म है। इस तरह की चीज़ों का निर्माण, हमेशा भाषांतर निर्माण, ये बेहद ही ज़रूरी है। बहुत कम लोग को, एक हम लोगों ने पिछले 10 साल में विदला जी के साथ में, अशोक के साथ मिलकर के, बहुत सुंदर टीम है हमारी। हम लोग का वैसे तो काम विज्ञान में काम करना है, विज्ञान के खिलौने बनाना है, विज्ञान के सस्ते मॉडल बनाना है, जो हमने बहुत बखूबी करा है। आज 1100 विज्ञान के मॉडल्स फोटोग्राफ्स में, फिल्मों में, 5222 वीडियोज़ आर ऑन YouTube ऑन आर वेबसाइट टुडे, विच मेक्स अस वन ऑफ द लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल्स आउट ऑफ इंडिया। कि सिर्फ 10 साल में, और अधिकांश फिल्में 10,000 रुपये के कैमरे से, तो दी हाइप अबाउट टेक्नोलॉजी। आपके पास कुछ कहने के लिए होना चाहिए, अच्छा कहने के लिए होना चाहिए, एंड यू मेक इट अवेल। 4 दिन पहले 35 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी क्रॉस द 35 मिलियन, 3.5 करोड़ बच्चे दुनिया में हमारी फिल्में देख चुके। रोज़ 40-50 हज़ार बच्चे फिल्में देखते हैं। पर इसके साथ में एक, ये तो हमारा काम था, एजेंडा है, टाटा ट्रस्ट जो उनको फंड करता है, इसके लिए एजेंडा है हमारा, साइंस सेंटर है। पर एक सबसे जो विलक्षण काम हुआ है कि 100 किताबें मराठी के अंदर। आज यहाँ पर शायद सुजाता जी को होना चाहिए था, कल हम लोग उनके, सुजाता वोट बोले 6 साल पहले आई थी और कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है, मैं मराठी में विज्ञान की किताबें अनुवाद करना चाहती हूँ, फ्रेंच पढ़ाती हैं पर मराठी से अथाह प्रेम है। और तो ऐसे मोबाइल दुनिया के सबसे जाने माने विज्ञान के लेखक हैं, तो मैंने कहा मेरे पास 36 किताबें हैं जो ऐसे मोब ने बच्चों के लिए लिखी, एंड शी टुक अप द चैलेंज। 63 साल की उम्र में पहले तो टाइपिंग सीखी। उनके पति हैं डॉक्टर माधव गोड बोले, जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे कभी 7 साल, तो उनकी विलक्षण लोग हैं। मुझे लगता है कि हमारी भूमि बहुत ही संपन्न भूमि है। रामचंद्र गुहा की किताब है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें ही प्रोफाइल्स 19 ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस हु मेड इंडिया व्हाट इंडिया इज टुडे। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उसमें से 6 हैपन टू बी फ्रॉम द सिटी ऑफ पुणे। महात्मा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी पॉलिटिकल गुरु, द फायर ब्रांड तिलक, उसमें कर्वे जी का नाम नहीं है, क्योंकि कर्वे डिड नॉट लीव बिहाइंड सिग्निफिकेंट राइटिंग, सो ही इज़ बीन, यू नो, भारत रत्न है, बहुत बड़ा काम करा महर्षि कर्वे ने, पर उनका नाम नहीं है इस पुस्तक के अंदर। हमीद दलवाई, ताराबाई शिंदे, तो 6 हैपन टू बी फ्रॉम दिस सिटी। तो अगर आप इस शहर के अंदर, ये हमारी पुण्य भूमि है, यहाँ पर इतने अच्छे लोग मिलते हैं, अगर यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर सकते तो शायद दुनिया में कहीं अच्छा काम नहीं कर सकते। और उसका एक प्रमाण ये है कि पिछले 10 साल में वी हैव बीन एबल टू गेट विली निली, कोई आता है, कोई करना चाहता है, 100 ग्रेट बुक्स इन टू मराठी, विच इज़ नॉट अर एजेंडा, बट दिस जस्ट हैपन्स बिकॉज 36 किताबें सुजाता जी ने एसिमोव की, आज वो 4th संस्करण के अंदर हैं, शायद अंग्रेजी के बाद में मराठी ये पहली भाषा है जहाँ एसिमोव की 36 किताबें मराठी में आई हूँ अंग्रेजी के बाद। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह के लोग हैं हमारे यहाँ। बाद में उन्होंने अभी हाउ चिल्ड्रन फेल का जिसको जिक्र कर रहा था, शी इज जस्ट ट्रांसलेटेड हाउ चिल्ड्रन फेल इंटू नीलाम्बरी जी बैठी में, बेहद सुंदर किताब। ये 4-5 साल पहले पढ़ी, इसका नाम था फ्री एट लास्ट। एक अमेरिका के अंदर एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिसिस्ट थे, डैनियल ग्रीनबर्ग, और 60 के दशक में ही वॉज सर्चिंग फॉर अ फ्री प्रोग्रेस स्कूल फॉर हिज ओन चिल्ड्रन। पर वहाँ पे ऑल देयर स्टेट रन स्कूल्स, वेरी अथॉरिटेरियन, कोई नहीं मिला। एंड दिस इज इन द बॉस्टन एरिया जहाँ पर हार्वर्ड है, MIT है, वन ऑफ द
greatest universities in the world, but no free progress school. तो झक मार के 68 में इन्होंने एक स्कूल शुरू करा जो करीब आधे घंटे की ड्राइव है बॉस्टन से. 10 acres का उनको कोई इसका फार्म हाउस मिल गया $50,000 में. ये स्कूल 68 से, मतलब आप समझ लीजिए करीब 45 साल हो गए हैं स्कूल को. गजब का स्कूल है. पहली बात कि बच्चों को सुबह 8 से शाम को 5 तक आप कभी भी 5 घंटे आओ, फ्लेक्सिबल आवर्स. टीचर्स को बस एक ही निर्देश है, गेट आउट ऑफ द वे, नो टीचिंग, गेट आउट ऑफ द वे ऑफ द चिल्ड्रन. दिस इज द ओनली इंस्ट्रक्शन टू द टीचर. एक मानना यह है कि जैसे समरहिल का मानना था दैट स्कूल मस्ट फिट द चाइल्ड, नॉट द अदर वे अराउंड. द स्कूल मस्ट, द चाइल्ड मस्ट नॉट लिव द अनफुल ड्रीम ऑफ हिज पेरेंट्स और सम स्टूपिड पेडागॉग हू डजंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. तो दिस इज व्हाट, सो दे वर इंस्पायर्ड बाय समरहिल एंड होल्ट. और ये स्कूल है 45 साल से चल रहा है. आज 30 इस तरह के पूरी दुनिया में सडबरी वैली स्कूल जैसे हैं, नीलाम्बरी जी ने इसका मराठी में अनुवाद. बड़े भले लोग हैं, हमको 4 साल पहले लिखा, अंग्रेजी में लाए, हिंदी में लाए, मराठी में लाए, फ्री परमिशन. जैसे हम लोग शिक्षा के एक तरह से एक्टिविस्ट हैं, वहाँ पर भी बहुत एक्ट, दुनिया में बहुत भले लोग हैं जो निःशुल्क अनुमति दे देते हैं अच्छे काम के लिए. जब मैंने उनको तीन अंग्रेजी, अभी गुजराती में आई है, 3 भाषाओं की भेजी, तो उनका यू हैव परमिशन फॉर ऑल इंडियन लैंग्वेजेस टू डू दिस. वेरी वेरी गुड पीपल. एक बच्चा है वहाँ पे जो 6 महीने तक ही जस्ट प्लेज द चेलो. चेलो एक स्ट्रिंग इक्विपमेंट है. 6 महीने तक 8 घंटे रोज चेलो बजाना, दिस इज अलाउड फॉर द स्कूल. एक बच्चे की छोटी सी कहानी है उसमें, उसका शायद नाम जॉन होगा. एक तालाब है, 4 साल से, अभी 10 साल पहले 10 साल का था जब स्कूल आया था, अभी 14 से 4 साल बस स्कूल में आता है और तालाब में मछलियाँ निहारता रहता है. अक्सर माएँ ज़्यादा समझती हैं बच्चों को, पिता नहीं समझते, वो जल्दी विचलित हो जाते हैं. तो दी मदर वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज द चाइल्ड वुड कम बैक होम वेरी हैप्पी. बट दी फादर से, तुझे ये भी नहीं आता, तूने जोड़ घटाना भी नहीं सीखा, तुझे पढ़ना भी नहीं सीखा. तो बड़े उद्वेलित थे. ऐसे बहुत से माँ बाप डैनियल को मिलने आते थे, वो उनको पहचान जाते थे कि उनके चेहरे पे चेहरा देख करके समझ जाते थे कि बहुत तकलीफ में हैं, दुखी हैं. तो डैनियल ग्रीनबर्ग उनसे कहते हैं, देखिए भाई साहब, मैंने तो आपके बच्चे से कहा नहीं कि तुम मछली देखो. वो अपनी ही लगन से वहाँ जा कर के 4 साल से, मैं शायद आपसे ये भी कह सकता हूँ कि 14 साल का एक अनूठा बच्चा है जो मछलियों के बारे में इतना जानता है कि कोई अमरीकी बच्चा नहीं जानता होगा. मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, एक मेरी ये भी दलील है, शायद ये बच्चा एक दिन PhD करे मछलियों के ऊपर. क्योंकि चिल्ड्रन आर रिस्पॉन्सिबल, दे मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग. ये हम कोई पढ़ाने वाले नहीं हैं, ये कुछ, ये बहुत, ये एडल्ट एरोगेंस है दैट वी टीच, वी हैव गॉट अ. हमारे गुरु जी विष्णु चिंचलकर कहते थे कि ये जो इंसान जो है वो बंदर से आदमी तक उसका एवोल्यूशन हुआ है, पर उसने ये पूछ नहीं छोड़ी अपनी BEd, MEd, PhD, ये गुरु जी की. तो बच्चे जो है वो बहुत संजीदा है, दे मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन लर्निंग, वॉट दे वुड लाइक टू लर्न. और जब वो खुद अपनी जिम्मेदारी से पढ़ते हैं तो वो उसमें कुछ मौलिक काम करते हैं. हम बच्चों पे ऊपर से थोपते जाते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, तो वो बहुत जल्दी बहुत बोझिल हो जाते हैं उनके लिए और उसको वो त्याग देते हैं. मैंने शायद बहुत कुछ कह दिया आपसे. आप लोगों ने बहुत शांति से इस ऑगस्ट गैदरिंग में, देयर आर मेनी पीपल हु हैव ट्रांसलेटेड दीस बुक्स ऑन एजुकेशन इनटू मराठी. आई थैंक देम ऑल. थैंक यू सो मच.